नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। उच्च शिक्षा पर खर्च के मामले में बिहार बड़े राज्यों से आगे, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अब ये होंगे पटना हाई कोर्ट के नए जज। वोटिंग के दिन बूथों पर बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग छात्राओं के लिए आरक्षण। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का यहां होगा लाइव प्रसारण। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BRABU के छात्र परेशान, पिछला रिजल्ट सुधारे बिना अगली परीक्षा की तैयारी। बिहार के मुजफ्फरपुर के BRABU के PG सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी होने के बाद यूनिवर्सिटी के 4500 छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी, जिसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में सुधार किए बिना BRABU ने थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम 30 मई से शुरू कर दिया है। बिना रिजल्ट में सुधार किए इंटरनल परीक्षा लेने से छात्र परेशान हैं। हालांकि परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि सभी छात्र इंटरनल दे सकते हैं। बता दें कि PG सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी होने की शिकायत के बाद परीक्षा विभाग द्वारा कॉपियों की फिर से समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया था। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के अनुसार कॉपियों की रीटोटलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ये होंगे पटना हाईकोर्ट के नए जज। भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत यह जानकारी सामने आई है कि अरविंद सिंह चंदेल पटना हाईकोर्ट के नए जज होंगे। आपको बता दें कि अरविंद सिंह चंदेल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज थे, जिनका स्थानांतरण अब पटना हाईकोर्ट में कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के क्लॉज 1 के तहत यह स्थानांतरण देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श के बाद किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रस्ताव पर उनका तबादला आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा पर खर्च के मामले में बिहार बड़े राज्यों से आगे, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों की ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उन राज्यों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपने यहाँ GSDP बजट का 1.75% से अधिक खर्च उच्च शिक्षा पर किया हो। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने GSDP का 2.17% खर्च किया है और इस मामले में बड़े बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। मेघालय और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों के बाद उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च करने में बिहार में अव्वल रहा है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने GSDP का 1% भी उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च नहीं किया है। हर्ष कांड के बाद प्रशासन ने लिया फैसला, कॉलेजों में लगेंगे 360 डिग्री कैमरे। पटना यूनिवर्सिटी के हर्ष राज कांड के बाद अब कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में 360 डिग्री कैमरे लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार को पत्र भी भेज दिया गया है। कैमरे लगाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग सरकार के हाथों में होगी। हालांकि इससे पहले पटना विश्वविद्यालय में दिसंबर 2023 में हुए बमबाजी के बाद भी पटना कॉलेज के सभी हॉस्टल और PU के सभी हॉस्टलों में CCTV कैमरे लगाने की योजना पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई थी, जिनका मामला अब तक फाइलों में अटका हुआ है। वोटिंग के दिन बूथों पर बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए 1 जून को पटना साहिब और पाटलिपुत्र क्षेत्रों में सभी बूथों पर निरंतर बिजली की आपूर्ति के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री संजीव हंस के दिशा निर्देश में अंतिम चरण के सभी 8 संसदीय सीटों पर के सभी बूथों पर कार्यपालक अभियंता अपनी टीम के साथ कड़ी नजर बनाए रखेंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए सर्किल और डिवीजन स्तर पर कई बैठक भी हो चुकी है। गौरतलब है कि आखिरी चरण में बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। 80 दिनों में पूर्ण होंगे मतदान, सदी का सबसे लंबा लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 सदी का सबसे लंबा चुनाव होने जा रहा है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा, जबकि 6 चरणों के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में 80 दिन के बीच नामांकन, नामांकन पत्रों की जाँच, नामांकन पत्र की वापसी एवं मतदान सहित चुनाव प्रचार की प्रक्रियाएं पूरी की गयी। लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई थी और 4 जून को सभी चरणों के मतगणना तथा चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इस प्रकार इस सदी का यह सबसे लंबा लोकसभा चुनाव होने वाला है। बता दें कि इससे पहले 2019 में 73 दिनों में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग छात्राओं के लिए आरक्षित हुई सीट।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एडमिशन लेने वाली छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब दिव्यांग लड़कियों के लिए पटना जिले के 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 25-25 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब 6 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों के लिए सभी विद्यालयों में नामांकन करा सकती है। विद्यालयों में दिव्यांग छात्राओं को पढ़ने के लिए एक विशेष शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड पदाधिकारियों को भी अधिक से अधिक दिव्यांग छात्राओं को चिन्हित कर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकारी निर्माण का मामला आया सामने। पटना नगर परिषद के महिनावा में वार्ड संख्या 17 में ठेकेदार द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी ठेकेदार ने नगर परिषद में नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अनियमितता को देखते हुए साथ ही नाले का घटिया तरीके से निर्माण करता देख ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। मामला सामने आते ही नगर परिषद के उप सभापति शंकर कुमार यादव भी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि ठेकेदार द्वारा बगैर ईंट सेलिंग किए और अनियमितता के साथ नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आगे फिर इस मामले की शिकायत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और पदाधिकारियों से की गई। फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, साथ ही अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही करने की बात सामने आई है। इस वजह से के पाठक ले सकते हैं लंबी छुट्टी। शिक्षा विभाग की इन दिनों चारों तरफ चर्चा देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के कारण राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्कूल केवल बच्चों के लिए ही बंद रहेंगे, शिक्षकों को स्कूल आना होगा। स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने पर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसका खूब विरोध कर रहे हैं। अब इसी बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के 31 मई को रिटायर्ड होने की खबर सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षकों को छुट्टियों में भी स्कूल बुलाने से सीएम नीतीश नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक के पाठक चाहते थे कि कन्हैया प्रसाद को एक्सटेंशन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से के पाठक भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि के पाठक 3 जून से 30 जून तक इसी वजह से छुट्टी पर जा सकते हैं। हालांकि के पाठक के छुट्टी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मुंगेर से राजद प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 13 मई को मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव के दौरान धांधली की खबर सामने आई थी। दरअसल राजद ने जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के समर्थकों और मुंगेर के कई सरकारी अधिकारियों पर कथित अनियमितता की शिकायत की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राजद प्रत्याशी द्वारा याचिका दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ ने मुंगेर से राजद प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। 1 जून को कोई बड़े वीआईपी नेता पटना में अपने मतदान का करेंगे प्रयोग। 1 जून को लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। अंतिम चरण के चुनाव में बिहार के पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं। इस संसदीय क्षेत्र से कई दिग्गज नेता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश, लालू यादव सहित लालू परिवार के लोग शामिल हैं। पटना के वीआईपी बूथ राजभवन के मतदान केंद्र पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करेंगे। आपको बता दें गर्मी को देखते हुए बूथों पर शेड और पंखे की व्यवस्था की गई है। पटना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं मोदी जी, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार के बाद पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के 400 पार का नारे लगाने के मीडिया के सवाल पर कहा कि वो 400 लगाएं या 600, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरी मौका है, जितना चाहे उतना नारा लगा लें। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर बात करते हुए कहा कि कुछ भी कर ले माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, 10 साल में अगर कुछ किया होता तो इतने सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी और एनडीए अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आखिरी चरण के चुनाव से पहले अयोध्या पहुंचे चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है और कल यानी 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। 7वें चरण के चुनाव से पहले चिराग पासवान अपने परिवार के साथ अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने लिखा, जय श्री राम। आज अयोध्या की पावन नगरी में सब परिवार प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए मंगल कामना की। आगे उन्होंने लिखा कि अयोध्या प्रभु श्री राम के दरबार में आतिथ्य सत्कार पाकर अभिभूत हूँ।
14 जून के बाद कुछ बड़ा होगा, तेजस्वी ने फिर बढ़ाया सीएम नीतीश पर सस्पेंस। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने इस बयान को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जब से यह दावा किया था तभी से नीतीश प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसी के साथ यह भी दावा कर दिया कि प्रशासन राज्यपाल चला रहे हैं और अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया भाजपा और जदयू अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। ये अंतर दिखाता है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का यहां होगा लाइव प्रसारण। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2024 का वार्म अप मैच 1 जून को खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात के 8 बजे होगा। मुकाबला शुरू होने के आधे घंटे पहले दोनों ही टीम के कप्तान रोहित शर्मा और नजमुल हुसैन टॉस के लिए मैदान में आएंगे। यदि आप इस मैच का लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क पर देख सकते हैं। इस मैच का आनंद भारतीय फैंस हिंदी इंग्लिश के अलावे और भी अन्य भाषा में उठा सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है विनोद महात्मा, राकेश मिश्रा, गोनर शर्मा, संजीव कुमार, नौसाद रजा, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, बाबुल मरांडी, राम बाबू दास, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बारिश हुई या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।